नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने बीईओ जो आने वाली है 2022 की वैकेंसी, उसके एलिजिबिलिटी जो मैंने कहा था इससे पिछले वीडियो में कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन आहार्य होंगे इस वैकेंसी के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या होगा प्री और मेंस का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसकी अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि तैयारी कैसे करें। जो आपका पेपर हुआ था 19 में, आपका वैकेंसी आई थी दिसंबर में, और अगस्त में ये पेपर हुआ था, तो उसके बेसिस पर, पेपर बहुत ज़बरदस्त हुआ था, उसके बेसिस पे एनालिसिस करके बताया जाएगा कि कैसे तैयारी आपको करना है स्टार्ट। ठीक है, तो फिलहाल कुछ ज़रूरी सूचना है। जो टीम परीक्षा प्लस एक चला रही है मुहिम, जो हर संडे को आपको टेस्ट कंडक्ट कराती है, और उस टेस्ट में जो भी विजेता होता है, मतलब फर्स्ट रैंक होल्डर होता है, उसको कैश प्राइज 1000 दिया जाता है। तो इस बार 17 जुलाई को जो टेस्ट होने वाला है, सुबह 11 बजे से टेस्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। जो दो टेस्ट हैं उसके बारे में मैं बता दूं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। पीईटी का टेस्ट है और कांस्टेबल का टेस्ट है। 17 जुलाई को 11 बजे ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो जिन्हें भी ये टेस्ट देना है वो पूर्ण रूप से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, वहीं पर ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी, बीओ की एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, बीओ का कोर्स भी चल रहा है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं इसके बारे में कि बीओ का जो कोर्स है स्टार्ट हो चुका है बैच, 80% अभी ऑफ है, 3000 का प्राइस है, 599 में आपको दिया जा रहा है। इसमें पूरा लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेशन है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी है, डाउट सेशन है, एग्जाम तक वैलिड रहेगा। अभी हम लोग मेन डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, बहुत से बच्चे इसके कंफ्यूजन में हैं कि बीओ की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। तो देखो भैया, बीओ के एलिजिबिलिटी के लिए एकदम एक चीज ध्यान रखो कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, काफी लोग इससे तंग हैं, और आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे जब प्रीवियस वाला, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अंतर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पे जो कन्फर्मेशन है वो ध्यान रखना। बीओ का एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, इसमें आपका क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने बीएड किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बीएड किया है, या आपने ऑलरेडी 12th के बाद जब बीएड कर लेते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, तभी भी आप 4 साल वाला बीएड किए हो, 4 ईयर का बीएड किए हो, तभी भी आप वैलिड हो। 4 ईयर वाला बीएड अगर कोई किया होगा तो वो भी वैलिड है। तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड, और जब बीएड नहीं होता था तो उस समय ग्रेजुएशन के साथ एक एलटी डिप्लोमा चलता था। क्या चलता था? एलटी डिप्लोमा। ये अगर आपने किया है तो आप बीओ के आने वाली वैकेंसी में पात्र होंगे। और मैं बता दूं कि जो वैकेंसी आ रही है, जो पोस्ट आ रहा है, वो ऑलमोस्ट, पिछली बार 309 के लमसम पोस्ट था, इस बार 200 प्लस तो पोस्ट रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और नोटिफिकेशन, जैसा मैंने आपको थंबनेल में बताया कि इसका नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा, तो जुलाई लास्ट या मिड अगस्त तक हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके यहीं पे आपको कहीं ना कहीं इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब बात है कि बीटीसी वाले या डीएलएड वाले क्या एलिजिबल हैं। पिछली बार क्योंकि इंग्लिश के नोटिफिकेशन में अलग तरीके से लिखा था और हिंदी के नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र ही नहीं किया है सर्टिफिकेशन वाला, तो जो मान्यता दी गई है बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा, कि बीटीसी डीएलएड पिछली बार नहीं वैलिड किया गया था, और इस बार का अभी कुछ कंफर्म नहीं बताया जा सकता है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जो बैचलर डिग्री एजुकेशन में लिए हैं, मतलब एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनके बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भी एलिजिबल नहीं थे। सिर्फ पिछली बार एलिजिबल ग्रेजुएशन प्लस बीएड और ग्रेजुएशन प्लस एलटी डिप्लोमा वाले ही थे। ठीक है, एक डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट होता है वो वाले भी थे। ठीक है, एलटी डिप्लोमा के साथ एक डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट वाला होता है वो भी थे।
लेकिन बीटीसी, डीएलएड और एमए इन एजुकेशन या बैचलर इन एजुकेशन कोई सब्जेक्ट लेके किया है तो उसका कंफर्मेशन नहीं है। वो नोटिफिकेशन पिछली बार नहीं थे 19 वाले में, जो 19 में नोटिफिकेशन आया था उसमें आयोग ने क्लियर किया था, 20 में क्या होगा मतलब 22 वाले में क्या होगा क्या नहीं होगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा। और ये जान लीजिए कि जो 19 में अहर्ता थी वही कहीं ना कहीं इसमें भी रहेगी। तो बीएड वालों के लिए एक सुनहरा मौका है, बीएड वालों के लिए सुनहरा मौका है। सिलेबस क्या है इस पर थोड़ा सा जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस देखो, दो पार्ट में आपका एग्जाम होगा, बीओ का जो होगा दो पार्ट में एग्जाम होगा, एक होगा प्री और दूसरा आपका मेंस होगा, ठीक है। प्री में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में आपका जो होता है वो रिटन टाइप का होगा, ठीक है, रिटन टाइप का। यहाँ पे 120 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो उसके सिलेबस को देख लेते हैं, दो घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। 120 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, इससे अच्छे खासे प्रश्न पूछे थे भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, आपके 14-15 क्वेश्चन मतलब 16-17 क्वेश्चन के अप्रोक्स पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृत मिला लोगे, इस टॉपिक से भी आपका 8-7-15-16 क्वेश्चन इसमें भी था। भारतीय कृषि और वाणिज्य और व्यापार से भी आपको 6-7 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जनसंख्या से भी प्रश्न पूछा था 6-7। विश्व भूगोल और आपका भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये पूरा मतलब ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 15 के अप्रोक्स में मिला के दोनों। उसके बाद से करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर से क्वेश्चन काफी जबरदस्त पूछे गए थे, 19-20 प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे और अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। जो बीओ का 2019 का पेपर है मैं एनालिसिस कराऊंगा तो दिखाऊंगा, बड़े बड़े लोगों की पसीने छूट गए थे, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाया गया था प्री का, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए आपको एक उचित मार्गदर्शन और एक कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे कहां से पढ़ने की हमारे ये चीज सर्टेन हो जाए। सिलेबस तो बहुत है, बहुत बड़ा है, पूरा पीसीएस और आरओ की तरह सिलेबस है, लेकिन आपको कहां फोकस्ड होना है, किस चीज को ज्यादा पढ़ना है, जो चीज पढ़ो जहां से क्वेश्चन आ रहा है उसको डीप पढ़ो क्योंकि वहां से कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं। उसके बाद से आपके यहां देखो मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के भी आपके 16 प्रश्न, 8-8 प्रश्न दोनों से आए थे, दोनों से 8-8 प्रश्न आए थे, टोटल 16 प्रश्न आए थे आपसे। उत्तर प्रदेश से अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बीओ में अच्छा खासा कूट से भी था, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे था, ठीक है। यहां पर देख लो, तो ये बौद्धिक मतलब ये रीजनिंग वाला हो गया, ये रीजनिंग से हो गया, और प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर के अंकगणित, बीज गणित, यहां से गणित से भी 8 प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो ये आपके सिलेबस है, बहुत जनरल सा सिलेबस है, जो आरओ की तरह से बोला जाए उससे थोड़ा सा मैच खाता हुआ है, कुछ चीजें आपके डिफरेंसेस हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आरओ से मैच खाता हुआ सिलेबस है। और पेपर बहुत ही बेहतरीन बना था, बहुत ही जबरदस्त बना था इसका पेपर, तो आपको अगर इस एनालिसिस जब मैं कराऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करनी। तो ये सिलेबस का हो गया, ये आपका 300 मार्क्स का होगा, ये प्री होगा, इसमें अगर आप क्वालिफाई करोगे जो भी आपका बनेगा उसके बाद से आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। लिखित जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी, ये पूरी की पूरी जो मुख्य रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, इसमें आपके जो है टोटल 200 के दो पेपर होंगे, टोटल 400 अंकों का होगा लिखित परीक्षा, जिसमें एक होगा सामान्य अध्ययन का प्रश्न और दूसरा होगा सामान्य हिंदी का प्रश्न, सामान्य हिंदी और निबंध का, 3-3 घंटे का पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का 3 घंटे का होगा और सामान्य हिंदी एवं निबंध ये एक ही में रहेगा, ठीक है, वो भी 3 घंटे का होगा, और दोनों पेपर 200 मार्क्स से होंगे, तो 400 मार्क्स से होंगे। तो पहला जो सामान्य अध्ययन है आपका, उसमें टोटल 40 प्रश्न होंगे, कुल संख्या होगी जो प्रश्नों की वो 40 होगी, ठीक है, 200 नंबर का होगा 40 प्रश्न, जिसमें से खंड देखो, खंड अ में मतलब इसको 3 खंड में डिवाइड किया गया रहेगा, जो सामान्य अध्ययन का खंड है, तो इसमें 3 खंड में, पहले खंड में 10 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के, जो जिसकी वर्ड सीमा 125 वर्ड की होगी, ठीक है, 10 नंबर का एक प्रश्न होगा, 10 10 100, ठीक है, तो ये ध्यान, 100 नंबर का ये हो गया। और खंड ब मतलब बी जो खंड होगा उसमें 10 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे, मतलब उसकी सीमा जो होगी, वर्ड लिमिट जो होगी वो 50 वर्ड होगी, और इसमें 6 अंक होगा एक का, ठीक है, तो 60 नंबर ये हो गया, 160 हो गया। उसके बाद से खंड सी जो होगा, खंड स जो होगा, उसमें 20 प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरी होंगे, इसमें जो वर्ड सीमा होगी वो 25 वर्ड की होगी, एकदम एनसीईआरटी में जैसे लिखता है ना कि एनसीईआरटी में 50 वर्ड में या 25 वर्ड में आंसर राइटिंग करो, ठीक है, उसी हिसाब से इनमें है। 2 अंक का एक प्रश्न होगा ये,
तो पर यहाँ पे कितना प्रश्न है 20, तो 40 का ये हो गया, तो 60 का ये, 100 का ये, तो 160, 160 और 40, 200 नंबर हो गया ना, तो समान अध्ययन के 200 हो गए 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे यहाँ पे, समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जो दूसरा पेपर होगा आपका वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, इसमें आपका प्रथम खंड जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, 100 अंकों का होगा, ठीक है, उसमें मैं दिखा दे रहा हूं क्या क्या आपका रहेगा, और द्वितीय खंड जो होगा वो हिंदी निबंध का होगा, वो भी 100 अंक का होगा। अब देख लेते हैं इस प्रश्न में जो दोनों का सिलेबस क्या है, जो सामान्य अध्ययन का जो है सिलेबस आपका होगा, जिसका लिखित परीक्षा होगा 40 प्रश्न का, उसमें देखो भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, जो भारतीय आर्ट एंड कल्चर नहीं था आपका प्री में, वो यहाँ पे पूछा जाएगा। भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, विश्व भूगोल नहीं है, भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय और सामाजिक और सामाजिक सुसंगति के विषय में, भारत और विश्व मतलब एक तरह से करंट से रिलेटेड हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं आईआर से रिलेटेड कुछ प्रश्न हो जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक का अच्छा प्रश्न आपसे बनेगा, पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मेंस देने जाते हो, ठीक है, पीसीएस मेंस वाले, तो उसमें भी साइंस टेक का एक पोर्शन होता है पेपर में। शिक्षा का अधिकतम विकास, क्योंकि ये ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर है, तो शिक्षा का क्या क्या बदलाव हुए शिक्षा के क्षेत्र में, तो वहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फिर उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में उसकी संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, पूरा आर्ट एंड कल्चर, हर चीज उत्तर प्रदेश से, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सब कुछ पूछा जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन आपसे बनाए जाएंगे। तो ये आपके सामान्य अध्ययन का हो गया। नेक्स्ट आपका है जो दूसरा आपका पेपर होगा सामान्य हिंदी और निबंध का, उसमें जो पहला खंड होगा वो होगा आपका क्या, हिंदी का, तो उसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण आएगा, मतलब जो गद्यांश दिया रहेगा उसको शॉर्ट में आपको संक्षेपण लिखना पड़ेगा, जो भी अंडरलाइन, जो भी चीजें होंगी, जो रेखांकित अंशों का व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक बताना हो गया, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति या परिपत्र संबंधी पत्र लेखन या आलेखन आपको आएगा, तो उसको आपको करना होगा। साथ ही वाक्यों का हिंदी और अंग्रेजी, और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आएगा। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, परिवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, ठीक है, मतलब एक तरह से पूरी हिंदी है, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहारे, लोकंतियां, उत्तर प्रदेश के मुख्य बोलियां और हिंदू हिंदी भाषा का प्रयोग होने वाली अशुद्धियां जो हैं, ये सब एक तरह से जनरल हिंदी का जो पेपर होता है सभी एग्जामों में, आपके पीसीएस के जो मेंस का एग्जाम होता है, आरओ का जो मेंस का एग्जाम होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें आपको हिंदी वाला ये प्रश्न पत्र रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, ये सिलेबस रहेगा। दूसरा जो खंड रहेगा हिंदी का वो निबंध रहेगा, निबंध हिंदी में आएगा। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं कुछ, देखो ये पेपर आप इंग्लिश में दे सकते हो, मेंस का इंग्लिश में आंसर राइटिंग ले सकते हो, लेकिन आपका हिंदी तो हिंदी में देना पड़ेगा और निबंध हिंदी में ही लिखना है, निबंध आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा मीडियम वाले बच्चे, निबंध आपको हिंदी में लिखना है। इसके अंतर्गत उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड के एक एक निबंध, कुल मिलाकर 2 निबंध आपको लिखने होंगे, 700 शब्द का सीमा होगा एक निबंध का, ठीक है, तो 2 खंड दिया गया है, एक आपका 2 खंड में 3 पार्ट दिए गए हैं, इन तीनों में से कोई एक चुनोगे, इन तीनों में से साहित्य और संस्कृति से आपको दिया गया रहेगा कुछ टॉपिक, पहले खंड में साहित्य और संस्कृति से कुछ टॉपिक दिया रहेगा निबंध का, फिर राष्ट्रीय विकास योजनाओं से दिया रहेगा, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिक सामाजिक समस्याओं से दिया होगा, तो इन तीनों में से किसी एक पर निबंध आप लिखोगे यहां से, और फिर जो बी वाला खंड है विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर और कृषि से, इन तीनों में से किसी एक पर आप टॉपिक दिया रहेगा, मतलब एक तरह से ये नहीं रहेगा कि यही निबंध है, इसी के बेस पर यहां पे टॉपिक दिया रहेगा, जैसे प्राकृतिक आपदा है तो कोई प्राकृतिक आपदा का यहां पे एक टॉपिक दे देगा, कृषि से रिलेटेड कोई यहां पे टॉपिक दे देगा, कोई बिल ही से रिलेटेड दे दे, विज्ञान या पर्यावरण से रिलेटेड यहां कोई एक टॉपिक दे दे, तो इनमें से कोई एक चूज करके आपको निबंध लिखना है, तो टोटल 2 निबंध आपको लिखने हैं, ठीक है, वो भी हिंदी में 700 वर्ड ईच होगा। तो ये आपका सिलेबस रहा पूरा। जो बच्चे तैयारी करना चाहते भैया, समय एकदम नहीं है, क्योंकि समय मांगता है, प्रिपरेशन आपको 2 महीने में नहीं हो जाएगी बीओ की, प्री और मेंस दोनों लेके चलोगे, प्री होने के बाद मेंस में आपको सिर्फ 3 महीने का मौका मिलेगा, तो मेंस इतना जल्दी नहीं तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपका हिंदी भी है और सामान्य अध्ययन की
रिटन टेस्ट भी है, लिखित परीक्षा है, तो उसको आंसर राइटिंग का भी आपको फॉर्मेट चाहिए, कैसे चीज़ें लिखनी है, तो ये सब चीज़ करने में आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीना लगेगा। तो 6 महीने की आपके पास समय है अभी, ठीक है, अभी नोटिफिकेशन है, तो जो लोग तैयारी में जुटना चाहते हो तो आज से जुट सकते हो। टीम द्वारा आप लोगों के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है जो बहुत ही कम फीस में और मैक्सिमम जो भी हो सकता है वो सब कुछ हम देने का प्रयास करेंगे और गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं रहेगी। जितने भी आपको टीचर होंगे वो खुद अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मार्गदर्शित करते रहेंगे, आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। तो ये टोटल 3000 का बैच है, कुछ दिनों में इसकी प्राइस 3000 हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल जब बैच लॉन्च किया गया है तो इस पे 80% डिस्काउंट चल रहा है, जिन्हें भी एडमिशन लेना है वो परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है, ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे जाइए कोर्सेज में, और कोर्सेज में जाने के बाद आप बीओ टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 599 का मात्र है। और इस बैच में आपको पूरा जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर वीडियो क्लासेस, उसके बाद से उसके नोट्स भी उसी के बेसिस पर रहेंगे, 40 प्लस आपका क्या होगा प्रैक्टिस सेट, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट हम देंगे, 10 से प्लस आपका, 10 से ऊपर आपका फुल लेंथ पूरा टेस्ट सीरीज कराएंगे हम प्री के बेसिस पे, उसके बाद से सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी, और जो भी आपका सिलेबस है उसको रणनीति, बुक रीडिंग कैसे किया जाता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपके नोट्स के साथ क्या कोई बुक जरूरी है, ये सब टीचर आपको बताएंगे कहाँ पर क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर हर चीज बुक को बहुत कम चांसेस होगा कि आपको बुक छूना पड़े, हम हर बुक को फिल्टर करके यहाँ पे नोट्स बनाते हैं, उसको अगर आप पढ़ लिया, क्योंकि टाइम नहीं है, आप डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, फिर यहाँ पे महेश बर्णवाल पढ़ोगे, तो इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, उन सभी को एक तरह से हम लोग समराइज करके एक नोट्स बनाते हैं, जिसे आप अगर पढ़ ले जाते हो, कुछ चीज़ों के लिए आपको बताएंगे टीचर कि हाँ जैसे योजनाएं हैं, करंट अफेयर हैं, वो कैसे आपको कवर करना है, वो चीज़ें मैं अगली वीडियो में कि तैयारी आपको कैसे करनी है वो बताऊँगा, तो उसके लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखना ना भूलें। और इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में इसे पिछली वाले वीडियो का लिंक लगा हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया था कि कौन कौन सी वैकेंसी UPPCS की आने वाली है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और आपके कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब पूर्ण रूप से दिया जाएगा। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आपको कोई क्वेरी है तो आप 9450060007 या 9129697080 पर क्या कर सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को बता सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा। बीओ की वैकेंसी देखिए आपको ऑलमोस्ट मांगता है कि कम से कम आप 5 महीना इसके लिए डेडिकेटली दो, ठीक है, 5 से 6 महीना आप डेडिकेटली दोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। इससे पहले भी हमने बीओ की बैच चलाया था, लेकिन वो बैच हमारा पीडीएफ बैच था, टेस्ट सीरीज बैच था, लेकिन अब हम वीडियो के साथ आ रहे हैं तो उसमें भी हमने सिलेक्शन दिया है, हमारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड हैं उनसे हम आपको मार्गदर्शित कराएंगे, उनका सिनेरियो क्या रहा है पूरे एग्जाम में, पिछले बार वाले में उनकी रणनीति क्या रही, उन्हीं के जुबानी हम आपको बतवाएंगे कि वो अपनी रणनीति आपके साथ साझा करें, ये सब कुछ सेशन होगा। तो जिन लोगों को भी भाई परीक्षा प्लस टीम पर विश्वास है और जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स से, तो आप आज ही जुड़ सकते हैं, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए और बीओ के कोर्स से ज़रूर जुड़िए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।